बाल कई प्रकार के होते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा प्रकार है यानी कि टाइप। हाय गाइस, मेरा नाम है वरदान और मे बी यू नो और मे बी यू डोंट, बट डोंट वरी यार, इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मे बी श्योर में बदल जाएगा कि तुम्हारा कौन सा हेयर टाइप है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि हेयर के टाइप कौन से होते हैं, हेयर की केयर कैसे करें और उनको स्टाइल कैसे करें। हमारे हेयर चार टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और कॉयली। नंबर वन है कॉयली हेयर्स, ये इनको किंकी भी बोलते हैं, किंकी हेयर्स भी बोलते हैं। इन बालों की शेप होती है जेड में, मतलब बाल जो होंगे उनकी शेप होगी जेड में, ऐसे जेड 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 होंगे या एस की शेप में होंगे, एस एस एस, वो भी छोटा छोटा एस और जेड भी छोटा छोटा, बहुत ज्यादा टाइट होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रीजी होते हैं। ये बालों को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं नहीं इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होता है, बट इनको मैनेज करने के लिए तुम्हें इनके साथ बहुत प्यार से रहना पड़ेगा, बहुत जेंटली इनको जो है जो भी चीज कर रहे होगे बहुत जेंटली करनी पड़ेगी। इन हेयर्स में भी तीन टाइप के हेयर्स होते हैं, पहला होता है 4A जो कि वायरी टाइप के हेयर्स होते हैं और एस शेप में होते हैं, दूसरा होता है 4B जो कि इजीली टूट सकते हैं और वो जेड शेप में होना शुरू हो जाते हैं, और तीसरा टाइप होता है 4C और ये बाल इतने टाइट होते हैं ना जितना तुम्हारा दही और दूध वाला जो वो जो रबड़ को बांधता नहीं है एकदम कसके, बस उतने ही टाइट होते हैं। नहीं ये भी ज्यादा ही हो गया यार, बट एक्चुअली में टाइट होते हैं, जेड शेप होती है और इनका ध्यान काफी रखना पड़ता है। केयर के बारे में बात कर लेते हैं, इनको कैसी केयर चाहिए होती है। सबसे पहली चीज, इनके साथ बहुत प्यार से पेश आना होता है, मैंने कहा ना इनके साथ स्ट्रिक्टली पेश नहीं आना, इनके साथ प्यार से पेश आना है। शैम्पू केमिकल फ्री यूज करना है, कंडीशनर सिलिकॉन फ्री यूज करना है और हो सके तो नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल चीजें ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो तुम्हारे बालों में मॉइस्चर लेके आए, ब्लो ड्रायर का सबसे कम यूज करना है, हीट नहीं देनी है, हीट से बचाना है, हेयर ब्रश यूज नहीं करना है उससे बाल और ज्यादा टूट जाएंगे, और इस वाली कंघी का यूज करना है अपने बालों को सुलझाने के लिए। ऑयलिंग प्रॉपरली करनी है और अपने बालों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, खासकर तुम्हारे कॉयली हेयर्स हैं, वीक हेयर्स हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हेयर्स की बैंड बच जाएगी तो उन पे केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेनी है और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी है। ये कुछ हेयर स्टाइल्स हैं जो तुम कॉयली हेयर्स में रख सकते हो, ये शॉर्ट हेयर स्टाइल्स हैं और इसके बाद ये लॉन्ग हेयर स्टाइल्स हैं, चेक कर सकते हो अपने कॉयली हेयर्स के साथ। दूसरा मेरा फेवरेट कर्ली हेयर्स, बट मेरे कर्ली हेयर्स नहीं है, कर्ली हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लोगों की बहुत तारीफ मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारे कर्ली हेयर्स हैं तो तुम्हें मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, पर रुको तुम्हारे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी रहेंगे, ड्राई रहेंगे, क्योंकि कर्ली हेयर्स रहते हैं उन पे बालों पे जो तुम्हारा नेचुरल ऑयल रहता है वो प्रॉपरली नहीं आ पाता है, क्योंकि ऐसे तुम्हारे एस शेप में रहते हैं कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स में भी तीन टाइप के हेयर्स होते हैं, पहला होता है 3A जिसका एस थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि एस जो बन रहा है वो बड़ी तरीके से बनेगा, जो 3B होता है उसका एस थोड़ा छोटा बनेगा, और जो 3C होता है उसका एस और छोटा बनता है और टाइट भी बनता है। अब बात कर लेते हैं केयर कैसे करें कर्ली हेयर्स की। पहले तो नेचुरल शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल रहता है ना वो बालों तक नहीं पहुंच पाता है, पहले ही बाल तुम्हारे ऐसे घूम रखे होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल ऑयल जो है वो बालों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सल्फेट फ्री केमिकल फ्री शैम्पू यूज करो। स्ट्रेट मत करो, हीट डैमेज मत दो अपने बालों को, क्योंकि कर्ली हेयर्स इतने प्यारे इतने अच्छे हेयर्स होते हैं ना यार, तो क्यों तुम किसी और को देख के अपने बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे। और जो तुम्हारा तकिया है यानी कि पिलो है उसको सिल्क का होना चाहिए, इससे तुम्हारे बाल ड्राई नहीं होंगे रात को सोते वक्त और तुम्हारे बाल टूटेंगे भी कम। कर्ली हेयर्स को भी ब्रश नहीं करना चाहिए, बड़ी कंघी के साथ, इस कंघी के साथ अपने बालों को सुलझाना चाहिए। अपने बालों को ठंडे पानी के साथ धो। क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या, सर्दी के टाइम पे मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा? हाँ मेरे भाई, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, इसलिए तुम अपने बालों की सेफ्टी चाहते हो तो अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो, गर्म पानी से मत धो। तो अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल्स की। ये रही हेयर स्टाइल्स कर्ली शॉर्ट हेयर स्टाइल्स, और ये रही कर्ली लॉन्ग हेयर स्टाइल्स। ये हेयर स्टाइल्स मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी है गाइस, तो प्लीज ये स्टाइल्स किसी को बताना मत, गूगल करके ढूंढी है मैंने कुछ भी। नंबर 3 अब बात कर लेते हैं वेवी हेयर्स की। वेवी हेयर्स यानी कि तुम्हें ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा होगा, वेव, वेव मतलब क्या, लहर, ऐसे ऐसे थोड़ा बाल ना ऐसे 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 हो रहे होते हैं। इसमें भी तीन प्रकार के यानी कि टाइप्स के जो है वो वेवी हेयर्स होते हैं। पहला होता है 2A, 2A हेयर होता है, पहले तो ऊपर से स्ट्रेट होंगे और नीचे से तुम्हारे वेव होने शुरू हो जाएंगे, एस शेप की वेव होने शुरू हो जाएगी। 2B होता है जिसमें तुम्हारे वेव्स जो हैं वो ऊपर से शुरू हो जाते हैं, एस थोड़ा बड़े बड़े एस होते हैं, और जो 2C होता है वो उसमें एस जो होते हैं वो छोटे छोटे बन रहे होते हैं, बट वो ऐसे 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 हो रहे होते हैं। उनको केयर कैसे करें, केयर बिल्कुल जैसे कर्ली बाल किए थे ना केयर, वैसे ही केयर करना है, और केयर कैसे करना है एग्जैक्टली मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में एक वीडियो बताऊंगा, उसको देख लेना। और वेवी हेयर स्टाइल जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है वो ये है शॉर्ट वाली और ये है लॉन्ग वाली। किसी को बताना मत, गूगल से ही निकालिए।
नंबर फोर बात कर लेते हैं स्ट्रेट हेयर स्टाइल की। अगर तुम्हारे बाल कॉयली नहीं है, वेवी नहीं है, कर्ली नहीं है, तो तुम्हारे बाल स्ट्रेट है। आखिरी टाइप है जो कि मेरे बाल भी स्ट्रेट हैं, सीधे होते हैं। ये बाल बढ़िया भी होते हैं, बेकार भी होते हैं। कैसे? जब ये बाल देखो तुम फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट दिखते हैं, इसकी वजह से नेचुरल ऑयल जो है वो बालों पे आ जाता है। मतलब हम जैसे शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के मेरे तो शाम को आ जाता है या अगले दिन तक, तो मेरे बाल फिर से तेल तेल हो जाता है बालों में, क्योंकि जो हमारा नेचुरल ऑयल रहता है वो सीधा बालों में, पूरे बालों में आ जाता है। इसी वजह से जो हमारे बाल हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और ये बुरे इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, तो ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा इसमें लगता नहीं है। अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो उसमें ज़्यादा इतना वॉल्यूम लगेगा नहीं जितना कि वेवी, कर्ली और कॉयली में लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरे बाल नहीं पसंद या स्ट्रेट बाल अच्छे नहीं होते हैं। स्ट्रेट बाल भी अच्छे होते हैं और सारे टाइप के बाल अच्छे होते हैं यार। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अपने बालों को किसी से कंपेयर मत करो। हम ये गलती करते हैं कि हम दूसरे के बाल देख लेते हैं, यार वो उसके बाल इतने अच्छे लग रहे हैं और हम भी वैसे ही बाल करवाने चले जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता यार, सबके अलग अलग हेयर्स होते हैं, सबके अलग अलग हेयर टाइप्स होते हैं, तो अपनी हेयर जो है वो अपने अकॉर्डिंग करो। तो कभी भी ये मत सोचना कि उसके बाल अच्छे हैं और मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। बाल बाल होते हैं, चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है, नहीं है। स्ट्रेट हेयर की केयर कैसे करें, अभी वीडियो के एंड में बताता हूं। स्ट्रेट हेयर स्टाइल्स शॉर्ट में ये रही और लॉन्ग में ये रही। तो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है हेयर केयर के बारे में बता रहा हूँ, रुक जो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फैशन ग्रूमिंग, स्टाइलिंग वाली वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद है वैसी वीडियोस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ऐसी शॉर्ट वीडियोस और भी देखने के लिए। स्टोरीज में बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलती रहती है, इसलिए ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अब हेयर केयर की बात होती है कि हेयर केयर कैसे किया जाए। ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आ रही है हेयर केयर की वीडियो और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो कि कैसे तुम्हारी पर्सनालिटी बदल सकती है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं और मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। बाय, नमस्कार।